आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टमाटर की चटपटी खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी चटनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर की चटपटी सी चटनी बनाने के लिए हमने अमावट लिया है, पूरी एक स्लाइस अमावट का यूज करेंगे हम, और एक केजी लाल लाल टमाटर लेंगे। टमाटर बिल्कुल ताजी है, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल में एक गिलास पानी डालेंगे। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर कम पानी डालिएगा तो चटनी गाढ़ी बनेगी। और अब हमें इसमें ताज़े ताज़े टमाटर को डाल देनी है। तो टमाटर को हमने अच्छे से धो लिया था और अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर जब तक सॉफ्ट हो रही है, फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टमाटर जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और टमाटर को ठंडे होने देंगे। और जब टमाटर ठंडा हो जाएगा ना, तो हम इसमें से टमाटर का जो छिलका है ना वो उतार लेंगे। वैसे तो मैं गर्मा गर्म उतार रही हूँ, इसलिए मैंने चिमटे का इस्तेमाल किया है, पर आपको जल्दी नहीं है तो आप टमाटर को ठंडा होने दीजिएगा। और ठंडा हो जाएगा ना, तब अच्छे से टमाटर के छिलके को उतार लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ना सारे टमाटर के छिलके को हटा लिया है। और अब क्या करेंगे कि एक फॉक लेंगे और फॉक से टमाटर को मसल लेंगे। अब हमने टमाटर की प्यूरी को रेडी कर लिया है और अब एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। एक चम्मच भर के डालेंगे जीरा और इसी के साथ डालेंगे एक चम्मच सौंफ, दो सूखी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, एक तेजपत्ते का पत्ता डालेंगे और इन्हें कुछ सेकंड तक भून लेना है। जैसे ये अच्छे से भून जाएगा, हम इसमें तैयार किया हुआ टमाटर की प्यूरी को डाल देंगे। चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे और अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे नमक। नमक और लाल मिर्ची का पाउडर जो है ना वो टमाटर के खट्टापन को बैलेंस में करेगा। और इनके साथ ही हमें इसमें डालना है अमावट। तो अमावट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आधी कटोरी डालेंगे चीनी और एक कटोरी डालेंगे गुड़। वैसे तो ये गुड़ में बहुत टेस्टी लगता है, पर हमने गुड़ और चीनी दोनों में बनाया है। वैसे तो आप इसे सिर्फ चीनी या सिर्फ गुड़ में भी बना सकते हैं, दोनों में ये बहुत टेस्टी लगता है, पर मैंने मिक्स करके बनाया है। और अब इन्हें कवर करते हुए पकाएंगे। और अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो हम इनको कवर करते हुए पकाएंगे और कवर करते हुए पकाएंगे ना, तो ये बहुत जल्दी से पक कर के तैयार हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं चटनी ना बहुत अच्छे से बन कर के तैयार हो गई है। तो अपने मनपसंद के कोई सा भी ड्राई फ्रूट डालेंगे जो आपको पसंद हो। और अब ये सर्व करने के लिए तैयार है।